नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड कैबिनेट में 40 प्रस्ताव पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में 40 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया है कि रांची में जिस सम्मानता प्राप्त उपशास्त्री इंटर और संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षक कर्मी को भविष्य निधि से उपादान का लाभ देने की स्वीकृति दी गई, वहीं टाना भक्तों के परिवारों को 200 यूनिट मासिक निःशुल्क बिजली प्रदान की जाएगी। वहीं रामरेखा जलाशय योजना के लिए 130 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। वहीं अबुआ आवास योजना का लक्ष्य 20 लाख हुआ है। आंगनवाड़ी केंद्र में भी प्राइमरी शिक्षा मिलेगी। वहीं झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 4 वर्ष और 64 वर्ष की आयु जो पहले हो तब तक होगा। वहीं राज्य में आंगनवाड़ी चलो अभियान की शुरुआत होगी। 211.48 करोड़ रुपये खर्च होगा। राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार की सुबह लगभग 10:20 पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट परिसर के अंदर ही राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने उनका स्वागत किया है। इसके बाद लगभग 10:40 पर उनका कारकेट एयरपोर्ट के पिछले गेट से बाहर निकला और मनातू स्थित झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर रवाना हुआ। दीक्षा समारोह में शामिल होने के बाद दोपहर लगभग 2:50 पर राष्ट्रपति वापस बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंची। इस दौरान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने उन्हें भावपूर्ण विदाई दी है। इसके बाद एयरपोर्ट के रनवे पर लगभग 40 मीटर की दूरी तक उड़ान भरने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हेलीकॉप्टर वापस लौटा। बता दें, एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से बताया गया कि एयरपोर्ट के रनवे पर उड़ान भरने के दौरान लगभग 400 मीटर की दूरी तय करने के बाद राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर वापस लौटा। विमान में तकनीकी खराबी आ गई थी, इसके बाद वह वायुसेना के दूसरे हेलीकॉप्टर से उड़ीसा के लिए उड़ान भरी। एक सीएम जेल गया, दूसरा नहीं सुधरा तो उनका भी वही हस्त्र होगा। बाबूलाल मरांडी। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पर हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि एक सीएम अंदर गए और दूसरे सीएम अगर नहीं सुधरे तो उनका भी ऐसा ही हस्त्र होगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा, सिर्फ व्यक्ति बदल गए हैं, एक मुख्यमंत्री अंदर गए तो जो दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं चंपाई सोरेन, उनका भी जो रंग ढंग है, लगता है कि अगर ये अपने आप में नहीं सुधारा तो फिर उनका भी वही हश्र होगा। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी दुमका जिले में पहुंचे थे। दुमका में एक कार्यक्रम में कई लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली है। यहाँ बाबूलाल मरांडी ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दम्भ भरते हुए कहा है कि झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर पार्टी की जीत होगी। झारखंड में 3 से 5 मार्च तक गरज के साथ बारिश। झारखंड में 3 से 5 मार्च तक गरज के साथ बारिश की संभावना है। 6 मार्च से मौसम साफ रहने का अनुमान है। बता दें, मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि झारखंड के अलग अलग हिस्सों में 3 मार्च से गरज के साथ हल्के व मध्य दर्जे की बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य में 5 मार्च तक बारिश हो सकती है। वहीं 6 मार्च से मौसम साफ रहेगा। 1 मार्च को आसमान साफ रहेगा व तापमान में वृद्धि होगी। वहीं तापमान में अगले 2 से 3 दिनों में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी 1 मार्च को झारखंड के धनबाद आ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो इनके आगमन पर मौसम साफ रहने की संभावना है। झारखंड के छात्रों का ट्यूटर महाअभियान टॉप ट्रेंड में। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रदेश के स्टूडेंट के ट्विटर महाअभियान को सोशल मीडिया पर अपार समर्थन मिला है। गुरुवार 29 फरवरी को महाअभियान कंडक्ट जेएसएससी फेयर एग्जाम सोशल मीडिया साइट एक्स के ट्रेंड में टॉप में आ गया था। छात्र संगठनों ने जेएसएससी सीजीएल की निष्पक्ष परीक्षा कराने की मांग के समर्थन में ट्विटर महाअभियान का आह्वान किया था। बता दें, ट्विटर महाअभियान की शुरुआत के पहले ही घंटे में टॉप ट्रेंड में 58,300 से अधिक लोग इसके समर्थन में आ गए। वहीं कुछ ही देर बाद इस टॉपिक पर बात करने वालों की संख्या में 1 लाख से अधिक हो गई। हेमंत जी ने हमेशा संघर्ष से लड़ना सीखा है, झुकना नहीं। कल्पना सोरेन। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि हेमंत जी ने हमेशा संघर्ष से लड़ना सीखा है, उनके सामने झुकना नहीं। उन्होंने कोरोना काल का जिक्र करते हुए लिखा है कि कोरोना का समय था और सभी ओर भय का माहौल। जब भारत सरकार ने पूरे देश को लॉकडाउन लगाकर बंद करने का फैसला लिया, तब झारखंड की जिम्मेदारी संभालते हुए हेमंत जी को 2 महीने ही हुए थे। उनके सामने न सिर्फ राज्य में रह रहे लोगों की फिक्र थी, बल्कि अन्य राज्यों से आ रहे प्रवासी श्रमिक भाइयों बहनों, बच्चों, बुजुर्गों तथा अन्य राज्यों में रह रहे झारखंडियों तक मदद पहुँचाने की भी जिम्मेदारी थी।
वे हर रोज सुबह से देर रात तक अधिकारियों से व्यवस्था की जानकारी लेते हुए उन्हें जरूरी दिशा निर्देश देने के बाद कभी कभी अहले सुबह 4 बजे तक जरूरी फाइलें निपटाया करते थे। जामतला ट्रेन हादसे में 2 की मौत पर बोले सीएम चंपई, जांच चल रही। झारखंड के जामतला में हुए ट्रेन हादसे पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि एक कमेटी इस मामले में जांच कर रही है, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। जामतला जिले में बुधवार की रात ट्रेन की चपेट में कई लोग आ गए थे, इनमें से 2 लोगों की मौत हो गई थी। झारखंड विधानसभा के बैठक सत्र में शामिल होने के लिए विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से पत्रकारों ने इस पर प्रतिक्रिया पूछी तो उन्होंने कहा कि अभी एक कमेटी जांच कर रही है, मैं बाद में इसके बारे में कोई बात करूंगा। बता दें, हादसा झारखंड की राजधानी रांची से 140 किलोमीटर दूर कालाझरिया इलाके के पास बुधवार की शाम 7 बजे हुआ था। बीआरपी सीआरपी महासंघ करेगा 5 से आंदोलन। बीआरपी सीआरपी महासंघ झारखंड ने अपनी सेवा शर्त नियमावली और मानदेय वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा कर दी है। महासंघ के अध्यक्ष पंकज शुक्ला ने गुरुवार को बताया है कि धुरवा स्थित झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य कार्यालय पर 5 मार्च से 72 घंटे का घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पलामू के 68 राशन डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड। झारखंड के पलामू जिले के 68 डीलरों को कार्डधारियों को खाद्यान्न से वंचित रखने, माह नवंबर 2022 से मार्च 2023 के बीच खाद्यान्न वितरण करने के बाद अवशेष खाद्यान्न की मात्रा से मई 2023 में ससमय खाद्यान्न वितरण का कार्य पूरा नहीं किए जाने के कारण विक्रेताओं की अनुज्ञप्ति को निलंबित करने का आदेश दिया गया है। मालूम हो कि 27 फरवरी को निदेशक खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय रांची की अध्यक्षता में आपूर्ति से संबंधित संचालित योजनाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की गई थी। इस बैठक में मई 2023 का ग्रीन राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न वितरण की समीक्षा में पाया गया था कि वितरण का प्रतिशत काफी कम है, जिसका विभाग द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए विक्रेताओं के द्वारा अपने कार्यों में अभिरुचि नहीं लेने का आरोप लगाया है, जिस कारण निदेशालय स्तर से आदेश देने के बाद पलामू जिले में 68 डीलरों को निलंबित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री झारखंड को 35,700 करोड़ की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च की सुबह करीब 11 बजे झारखंड के धनबाद जिले के सिंदरी में शिरकत करेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। वे झारखंड में 35,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी सिंदरी हर्ल, रेल, बिजली और कोयला क्षेत्र से संबंधित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें 17,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल परियोजनाएं भी शामिल हैं। इसके साथ ही पीएम 3 ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। चाईबासा में नक्सलियों के साथ बंकर ध्वस्त। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन के दौरान बड़ी सफलता हासिल की है। गुरुवार को सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के साथ पुराने बंकर को ध्वस्त कर दिए हैं। ये सभी बंकर जिले के अति नक्सल प्रभावित टोटो थाना क्षेत्र के जिसकी इकरी के आसपास के जंगली पहाड़ी क्षेत्र में बने हुए थे। इन 7 बंकरों में 70 लोगों के ठहरने की व्यवस्था थी। मौके से सुरक्षा बलों ने आईडी बनाने में उपयोग में आने वाली सामग्री और दैनिक उपयोग में आने वाली सामग्री को भी बरामद किया है। बता दें, नक्सलियों के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल मोछू, चमन कांडे, अजय महतो, सांगेन अंगरिया, आश्विन अपने दस्ता सदस्यों के साथ कोल्हान क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधियों के लिए भ्रमणशील है। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर पहुंचे देवघर। देश के प्रसिद्ध कथावाचक और आध्यात्म गुरु देवकी नंदन ठाकुर गुरुवार को देवघर के बाबा मंदिर पहुंचे। दरअसल गिरिडीह में उनका कथा का आयोजन हो रहा है, इससे पूर्व वे देवघर पहुंचे। देवघर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वे सीधे बाबा मंदिर जाकर भगवान वैद्यनाथ की पूजा की और मनोकामनाएं मांगी। बता दें, मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर मनोकामना लिंग बाबा वैद्यनाथ का पूजा दर्शन कर अपने आप को परम सौभाग्यशाली बताया है। धन्यवाद।